हाय फ्रेंड्स, सरसा की कुकिंग स्टाइल रेसिपी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बच्चों की फेवरेट पैनकेक रेसिपी। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम दो अंडे को फोड़ लेंगे। इस अंडे में हम ये चीनी को डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे। चीनी को मिक्स करने के बाद इसमें डाल देना है 2 चम्मच। इस तेल को भी हम मिक्स कर लेंगे। एक ग्लास दूध लिया है, इसको अभी इसमें डाल दूंगी। अगर आपको बैटर का कंसिस्टेंसी ज्यादा चाहिए तो आप यहाँ पे ज्यादा मिल्क ले सकते हैं। मैदे को धीरे धीरे करके इसमें डालना है। एक ही बार डालने से इसमें लम्स पड़ जाएंगे, इसलिए थोड़ा थोड़ा कर करके इसको हमको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। बैटर को हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है। जितना हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे हमारा पैनकेक उतना ही अच्छा बनेगा। तो ध्यान रखिए, इसको अच्छे से मिक्स करें। अब हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। उसके साथ में 1 टीस्पून वेनिला एसेंस। इस बैटर को हमें जैसे केक को बेक करते हैं, केक को बेक करने के लिए जैसे हम बैटर को रेडी करते हैं वैसे ही बनाना है हमको। पैनकेक का मीठा को बैलेंस करने के लिए हम थोड़ा सा डालेंगे यहाँ पे सॉल्ट। सॉल्ट को भी हम मिक्स कर देंगे। पैनकेक बैटर बनाने के लिए मैंने लिया था 2 अंडे, 1 कप चीनी, 1.5 कप मैदा, 1 ग्लास दूध, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट और 1 टीस्पून वेनिला एसेंस। वो सबको मिक्स करके मैंने यहाँ पे तैयार कर लिया है अच्छी तरह से बैटर। अभी चलिए बनाना शुरू करते हैं। एक तवा ले लेना है, उसके ऊपर थोड़ा सा तेल डाल के हम इसको चारों तरफ ग्रीस कर लेंगे। कड़ची से इस बैटर को हम इस तवा में अभी धीरे धीरे करके डालेंगे। इस तरीके से हमें बीच में डाल देना है, इसको फैलाना नहीं है और गैस को हाई नहीं करना है, नहीं तो हमारा पैनकेक जल जाएगा। इसको डालने के बाद अभी हम ढक्कन को कर देंगे कुछ सेकंड के लिए बंद। ढक्कन खुलने के बाद आप देख सकते हैं हमारा पैनकेक में अच्छी तरह से एयर पॉकेट हो चुका है। इसका मतलब हमारा पैनकेक वन साइड से पक चुका है। अब हम इसको पलट देंगे। देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है ना। थ्री साइड भी हमें कुछ सेकंड के लिए सेक लेना है। अगर आपका तवा बड़ा है तो आप दो दो तीन तीन कर करके एक ही बार डाल सकते हैं। यहाँ मेरा तवा छोटा है, इसलिए मैं एक एक करके बैटर को डाल के पैनकेक बना रही हूँ। पैनकेक जो है अभी कुक हुआ है कि नहीं हम चेक करते हैं। एक टूथपिक के सहारे इस तरह से हमें बीच में करना है और चेक करना है। आप देख सकते हैं हमारा टूथपिक नहीं चिपक रहा है, इसका मतलब हमारा पैनकेक दोनों तरफ से सेक हो चुका है। इसी तरह बचा हुआ बैटर को भी मैं एक एक करके बना लूंगी। ये बनाने में बहुत टाइम नहीं लगता है, आप भी अपने बच्चों के लिए घर में बना सकते हैं। ये बहुत ही कम समय में बनता है। जब आप सबको केक खाने का मन करे तो केक बनाने में तो थोड़ा जाहिर सी बात है टाइम तो लगता ही है। तो आप पैनकेक घर में बना के खा सकते हैं, ये तुरंत ही बन जाता है। केक बनाने में जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वही इंग्रेडिएंट्स हमें पैनकेक में भी बनाने के लिए चाहिए होता है, तो क्यों ना हम पैनकेक बना के तुरंत खा सकते हैं। पैनकेक का कलर देखिए कितना खूबसूरत है। 1.5 कप मैदे से बहुत सारी पैनकेक बनती है। अगर आपको मेरा रेसिपी पसंद आ रहा है तो मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। हमारा पैनकेक बनके तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना ही खूबसूरत बना है, स्पॉन्जी फ्लफी और पूरा सॉफ्ट। अब हम इसे सर्व करते हैं। बीच में हम रख देंगे बटर को और इसके ऊपर थोड़ा सा हनी को इस तरीके से लगा लेंगे। आई होप यू गाइस लाइक माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।